जय मसीह के दोस्तों, आज के स्वर्गीय मन्ना का भाग हमने लिया है फिलिपियों की पत्री उसका 4 अध्याय और उसका 13 वचन। वचन कहता है, जो मुझे सामर्थ्य प्रदान करता है उसके द्वारा मैं सब कुछ कर सकता हूँ। धन्यवाद पिता परमेश्वर तेरे पवित्र सामर्थ्य नाम में और तेरे वचनों के लिए। दोस्तों, वचन हमें क्या बताता है? वचन हमें बताता है कि परमेश्वर का सामर्थ्य जो परमेश्वर के द्वारा हमें मिलता है, हम उसके द्वारा अद्भुत काम कर सकते हैं। हमारे जीवन में परमेश्वर अद्भुत काम करना चाहता है अपने सामर्थ्य के द्वारा। लेकिन मेरे दोस्तों, उस सामर्थ्य को पाने के लिए हमें संसार को अपने अंदर से निकालना पड़ेगा। याद करिए वो औरत जिसको 12 वर्ष से लहू की बीमारी थी। उसके अंदर पहले क्या था? परंपरा थी, संसार था। कौन सी परंपरा थी? वो परंपरा जो उसे अशुद्ध ठहराती थी, वो परंपरा जो उसे कहती थी कि तू किसी आदमी को छू नहीं सकती, अगर तू किसी और आदमी औरत को छुएगी तो तू अशुद्ध हो जाएगी, तू किसी वस्तु को नहीं छू पाएगी क्योंकि तू अशुद्ध है। उस औरत ने परमेश्वर का सामर्थ्य पाने के लिए अपने अंदर से उस परंपरा को निकाला, अपने अंदर से उस संसार को निकाला और उसने कहा, उसने अपने मन में वाचा बांधी कि अगर मैं यीशु मसीह के छोर को भी, उसके कपड़ों को छोर को भी अगर छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। दोस्तों, उस औरत ने कैसे आशीष पाई, उस औरत ने कैसे चंगाई पाई? उसने संसार के वचन को, संसार को, परंपरा को निकाला और स्वर्गीय आशीष, स्वर्गीय परंपरा को अपनाया, स्वर्गीय वचन को अपनाया, स्वर्गीय आशीष को पाया, स्वर्गीय इच्छा को पाया और उसने वो सामर्थ्य पाई। और उसी समय यीशु मसीह ने क्या कहा कि मुझमें से सामर्थ्य निकली है और किसी को चंगाई मिली है। दोस्तों, परमेश्वर आपको सामर्थ्य देना चाहता है, परमेश्वर आपके जीवन में काम करना चाहता है, लेकिन परमेश्वर चाहता है कि आप अपने अंदर से संसार को निकालें, आप अपने अंदर से संसार की परंपराओं को निकालें, तब वो स्वर्गीय परंपरा आपके जीवन में काम करेगी। और विश्वास करिए, विश्वास करिए, जब आप विश्वास करेंगे तो आशीष पाएंगे, जब आप विश्वास करेंगे तो वो सामर्थ्य जो परमेश्वर का है, वो सामर्थ्य जो परमेश्वर ने आपके जीवन में, आपके जीवन को, आपके जीवन के लिए दिया है ताकि आप सुख उठाएं, उस सामर्थ्य को काम करने दीजिए, काम करने दीजिए। विश्वास करिए, विश्वास करिए, जैसे मरियम ने विश्वास किया था। इससे पहले कभी भी कोई बच्चा बिना आदमी औरत के संबंध से पैदा नहीं हुआ था, इतिहास कोई नहीं जानता था, लेकिन मरियम ने संसार को अपने अंदर से निकाला, संसार की परंपराओं को अपने अंदर से निकाला, उन बातों को अपने अंदर से निकाला और परमेश्वर के वचन को ग्रहण किया, उस पर विश्वास किया, उस सामर्थी आशीष को उसने अपने अंदर ग्रहण किया कि मैं पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से, मैं पवित्र आत्मा के आच्छादित होने से गर्भ में एक बालक को पाऊंगी। दोस्तों, इतिहास बनाया परमेश्वर ने, इतिहास बनाया उस मरियम बहन ने जिसने परमेश्वर सामर्थ को महसूस किया और जिसने परमेश्वर के सामर्थ को अपने अंदर लिया। इसलिए दोस्तों, हम भी परमेश्वर के सामर्थ के द्वारा काम कर सकते हैं, हम भी अपने जीवन में परमेश्वर के सामर्थ को महसूस कर सकते हैं, लेकिन हमें अपने अंदर से संसार को निकालना पड़ेगा, संसार की परंपराओं को निकालकर परमेश्वर के आशीष को, परमेश्वर की कृपा को अपने अंदर उड़ेलना पड़ेगा। यीशु मसीह के पवित्र सामर्थ्य नाम से आज की सुबह मैं अद्भुत तरीके से आशीषित महसूस कर रहा हूं इन वचनों के द्वारा। मैं महसूस कर रहा हूं कि जो भी कोई सुन रहा है उसके जीवन को परमेश्वर बदल रहा है। जो कोई है इस समय सुनने वाला श्रोता, मैं विश्वास करता हूं कि उसके जीवन को परमेश्वर पूरी तरीके से बदल रहा है और ये वचन उसके जीवन में काम कर रहे हैं। मैं धन्यवाद देता हूं पिता परमेश्वर, आपके पवित्र सामर्थ्य नाम में अद्भुत शिफा है परमेश्वर। दया करिए। हम प्रार्थना करते हैं सुनने वाले हर भाई बहन के लिए आशीष, सुख और चंगाई मांगते हैं और धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना आपने सुनी और कबूल की। आमेन, आमेन, आमेन।